हेलो गाइस, डिजिटल डी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज जो हम वीडियो का टॉपिक के बारे में बात करने वाले, कुछ ढांस और अलग तरीके का होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप एंड्रॉइड और स्मार्टफोन से फिंगरप्रिंट आपका डिजेबल हो गया है, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको काम किया जाए, यही हम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हूँ। तो गाइस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो भाई पहले आपको चले आना है अपना सेटिंग्स पे। तो गाइस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके अबाउट फोन पे आना होगा। अबाउट फोन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नल वर्सन, इस पे आपको 3-4 बार टैप करना है सिंपली। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चले आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे 25 नंबर पे आप लिखा है ऑटो फिंगरप्रिंट टेस्ट। तो गाइस उस पर टैप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इरोड दिखा रहा है एप्लीकेशन। तो गाइस क्या करना है, सिंपली आपको बैक आ जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देखना है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड। उस पर आने के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन को आपको पैटर्न देना है, उसके बाद ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने के बाद आपको रिबूट करना है अपना फ़ोन को। रिबूट करने के बाद जब ओपन होगा तब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अपना लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज फिंगरप्रिंट आ गया। गाइस आपका फ़ोन में अभी भी नहीं आया तो हम दूसरा टिक आजमाएंगे, ज़रूर आजमाएंगे और वो टिक सक्सेसफुली काम करेगा और करेगा, ठीक है। तो फिर से सेटिंग्स पे आना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज मैनेज योर एप्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है गाइज, थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन, तो गाइज 3 लाइन पे आपको टैप करना है। उसके बाद शो ऑल पे क्लिक करना होगा, शो ऑल एप्स, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च बार में लिख के सर्च कर सकते हैं फिंगरप्रिंट। गाइस आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे टाइप करना होगा, तो हम फिंगरप्रिंट लिख लेता हूँ, आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो इसका डेटा है उसको क्लियर करना पड़ेगा, सिंपली कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली डेटा को क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइस हम डेटा को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद इसको फिर से रिबूट करूँगा। तो गाइज हम रिबूट कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइज देख सकते हैं रिबूट हो रहा है। तो रिबूट होने के बाद ओपन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आने के बाद मैनेज फिंगरप्रिंट। तो गाइज आप देख सकते हैं काम सक्सेसफुली हो गया।